महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों के अनुसार 3 साल से इस मामले में हम प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं इसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। आरोप ये भी है कि इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरु ने परिजनों को शांत रहने के लिए पैसे भी दिए हैं और बताया जा रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु पिछले 6 वर्षों से युवती का यौन शोषण कर रहा है और परिजनों को इसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने मुस्लिम धर्मगुरु के विरुद्ध जाँच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस पर भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गया है। क्या करने आए मुख्यमंत्री? भाई मुख्यमंत्री आवास पे इसलिए आए हैं कि हम उत्तर प्रदेश का लखनऊ का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां 3 सालों में मैं नहीं गया। हर जगह से जाँच गई, लेकिन उसमें फाइनल रिपोर्ट सब कुछ लग गई। मामला क्या है? मामला ये है कि आज से 6 साल पहले से कल्बे जव्वाद मेरी लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए है। मेरे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, ऐसे सबूत हैं कि अगर वो झूठे साबित हों तो गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए विनय मिश्रा की रिपोर्ट।